अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइमा यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद साइमा यास्मीन। जी, तो आज मैं जो रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। जी, वो एक ऐसा बहुत ही स्पेशल है, वो एक ड्रिंक की है। जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं एक बहुत ही स्पेशल सा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, तो जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जी हाँ, आप सही पहचाने, हम आज बना रहे हैं कैरी का ड्रिंक। जी, कैरी का ड्रिंक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है, जो कि गर्मियों के मौसम का बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है। इसका इस्तेमाल ज़माने कदीम से चला आ रहा है, गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है। जो व्यूअर्स हमारे घर से बाहर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, गर्मी में काम करते हैं, उनके लिए ड्रिंक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये गर्मी के असरात से बचाता है और मैदे की जो गर्मी जिन व्यूअर्स को हो जाती है उनको भी ये ताकत देता है उनके मैदे को। तो इसका जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से है। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास जो कैरीज हैं, 2 अदद कैरीज हैं, और मेरे पास पुदीना है 2 चम्मच के बराबर, हसबे ज़रूरत मेरे पास काला नमक है, चीनी है मेरे पास तकरीबन 1 प्याले के बराबर। जी, ये तकरीबन मैंने 10 चम्मच के बराबर चीनी ली है। और हम सबसे पहले कैरीज को क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। जी, तो कैरी का ड्रिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैरीज को धोने के बाद, अब हमने कैरीज के लिए हमने ले लिया पॉट लिया है, इसके अंदर पानी गर्म रखा है और हम कैरीज को डाल देंगे और हम इतना इसको थोड़ा सा 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगे कि जो हमारी कैरी हैं ये नरम पड़ जाएं। जी, हमारी कैरीज का नरम पड़ना ज़रूरी है 10 से 12 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, कैरीज को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इनको अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 10 मिनट्स लगेंगे बॉईल करने के लिए। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारा पानी बॉईल हो रहा है और हमने पानी इतना डाला है कि ये हमारे जो कैरीज हैं वो अच्छी तरह डूबी हुई हैं इसके अंदर। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5-7 मिनट और रह गए हैं, तो जैसे इसके अंदर बॉईल आता है तो हम अपना जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे और अंबियों को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको पील ऑफ करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी जो अंबियां हैं उनका कलर चेंज हो गया है और इसमें सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं बॉईल आने में। जैसे ही बॉईल आता है तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलर कितना चेंज हो गया है अंबियों का। तो ये जो हम ड्रिंक बनाएंगे ये इतना अच्छा ड्रिंक है कि जिन लोगों की मैदे में तसाबियत होती है और मैदे में जलन होती है, बहुत गर्मी लगती है, तो उनके लिए ड्रिंक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है और ये जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है। तो ऐसे अफराद जो ज़्यादा घर के बाहर काम करते हों उनके लिए ड्रिंक बहुत ही शानदार ड्रिंक है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे जो बॉईल है वो आ गया है और हम इस स्टेज के ऊपर जो है आप देख रहे हैं बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इस स्टेज के ऊपर जो हम अपना जो चूल्हा है वो फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी व्यूअर्स, मैंने अंबियों को निकाल लिया है और जैसे ही ये ठंडी होती हैं तो मैंने इसका छिलका उतार देना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे जो कैरीज हैं वो अब उनको पील ऑफ करने लगे हैं क्योंकि हमने इनको बॉईल कर लिया है और ये रूम टेम्परेचर पे भी आ गए हैं और हम इसका बारीक बारीक सा छिलका उतार रहे हैं। जी, इसी तरह से हम अपना सारे दो कैरीज जो हमारे पास हैं इनको हमने पील ऑफ कर देना है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों कैरीज को पील ऑफ कर लिया है और अब हम इसको ब्लेंडर में काट के नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं इसके पीसेस कर रही हूँ और मैं इसको काट के इसके अंदर पोर कर रही हूँ। हमने ऐसे काटते जाना है
और हमें ऐसे ही इसको डालते जाना है। जी इसी तरह से हम अपनी जो दूसरी अम्बी है उसको भी हम कर लेंगे और इसके अंदर शेकर में डाल देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपना कैरी है वो डाल दिया है काट के, और हम इसके अंदर धनिया सॉरी पुदीना भी डाल देंगे जो कि 2 चम्मच के बराबर है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर जो कि 10 टेबल स्पून या 12 टेबल स्पून भी आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम सारे बर्तन से निकाल के शुगर अपनी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर जो हमारे पास है ब्लैक सॉल्ट काला नमक, वो भी हम बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। जी इतना सा हम ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। जी अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। जी और अब हमने इसको शेक करना है। शेक करने के बाद दोबारा हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लेंगे जब ये शेक हो जाएगा। जी अब मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं इसको शेक करने लगी हूँ। जी हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। जी अब मैं 1 और गिलास ऐड कर रही हूँ पानी का। जी अब मैं दोबारा से इसको ब्लेंड करूंगी। जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा शेक जो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग नज़र आ रहा है वो बन के रेडी हो चुका है। और ये है हमारे क्यूब्स, तो मैं क्यूब्स को इन ग्लासेस में डालूंगी और फिर हम अपना जो शेक है वो ऐड कर देंगे। आइस क्यूब्स ये मैं इसके अंदर डालूंगी। माशाल्लाह से हमारा जो शेक है बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे। जी ये जो बैठा हुआ था इसको मैंने शेक कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ब्लेंड हुआ है। और अब मैं इसको अपने ग्लास में पोर करूँगी। सो यमी एंड सो अमेजिंग, गर्मियों को ख़त्म करने वाला ये शेक है। आप भी घर में लाजमी बनाएं, बच्चों को बड़ों को दें और बनाकर सबको दें और इन्जॉय करें। सो आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा ये बना के इन्जॉय करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको हमारा जो शेक है ये सॉरी ड्रिंक है ये कैसा लगा। तो लाजमी बना के तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।